मुरादाबाद के दलपतपुर में स्थित सेंट एंथोनी स्कूल में प्रथम खेलोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। इस स्पोर्ट्स डे कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने स्कूली बच्चों ने विभिन्न क्रीड़ा प्रतियोगिताओं में भाग लिया। वहीं खेल उत्सव कार्यक्रम से पूर्व स्कूल के नन्हे मुन्ने बच्चों ने विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए। दलपतपुर के बुढ़ापुर मान में स्थित सेंट एंथोनी स्कूल में खेल उत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रामपुर जनपद के खेल अधिकारी नवीन कुमार सिंह ने शिरकत की। स्पोर्ट्स डे कार्यक्रम का शुभारंभ स्वागत गान के साथ हुआ। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां कर नन्हे मुन्ने बच्चों ने सभी का मन मोह लिया। खेल उत्सव कार्यक्रम में रेस, मॉस ट्रेल, ड्रिल डांस सहित विभिन्न क्रीड़ा प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। वहीं इस मौके पर स्कूल में रंगारंग कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया, जिसमें ब्राजील, चकते इंडिया आदि का आयोजन हुआ, जिस पर स्कूली बच्चों ने शानदार प्रस्तुतियां देकर सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। खेल अध्यापक मोहम्मद विकार का कार्यक्रम को सफल बनाने में विशेष योगदान रहा। वहीं इस मौके पर प्रबंध समिति के सदस्य जुनीता जकी, शबीना जकी, ललित शर्मा, समर बहादुर सिंह, बाबर मसूद और स्कूल की शिक्षिकाएं शोभा आहूजा, निशा त्यागी, दीपिका, आरिशा, नौशीन खान, प्रिया श्रीवास्तव, श्रुति कपूर, एल एम बिशल, सोनू थॉमस, रजन बी लाल, रमेश जोशी आदि मौजूद रहे। स्पोर्ट्स डे मनाया जा रहा है। ये स्कूल हमने पिछले साल ही खोला 2018 में, अप्रैल में शुरू हुआ और अभी सिर्फ फोर्थ क्लास तक ही है, छोटे बच्चे हैं। और इसमें हम बिल्कुल गांव में ला के हमने खोला है स्कूल इंग्लिश मीडियम, ताकि बच्चों को थोड़ा यहाँ के बच्चों को भी बेनिफिट मिले। और कोशिश हमारी ये है कि हम लोग इसको पूरा CBSE का एफिलिएशन करवाएंगे। इस साल हमने 8वीं के लिए अप्लाई किया हुआ है और हम लोग चाह रहे हैं कि हर तरह का पूर्ण डेवलपमेंट हो बच्चों पूरी तरह से। जी, क्या नाम आपका मैम? नाम डॉक्टर जुनीता जकी। स्कूल का नाम? स्कूल का नाम सेंट एंथनी स्कूल। जी मैम, आप इस स्कूल के माध्यम से क्या उद्देश्य देना चाहती हैं आगे जो ग्रामीण बच्चे हैं? ये पढ़ाई जो है ये बहुत ज़रूरी है, पर लेकिन केवल पढ़ाई और किताबी पढ़ाई नहीं, पर हर तरह का बच्चे का ग्रोथ होना चाहिए पूरी तरह से, क्योंकि बिना हर क्षेत्र में गए हुए बच्चे जो हैं वो सिर्फ पढ़ाई किताबी पढ़ाई से वो सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। टोटल डेवलपमेंट जो CBSE का एम है कि हर तरह से बच्चे जो हैं वो सीखें। साइंटिफिक इनलाइटमेंट बहुत ज़रूरी है और आर्टिस्टिक इनलाइटमेंट, इसी तरह से स्पोर्ट्स। और क्योंकि गांव का स्कूल है, गांव में स्पोर्ट्स की बहुत अहमियत है, यहाँ पे बच्चे जो हैं बड़े शौक से और बड़े इंटरेस्ट से खेलते हैं और इन बच्चों को मौका नहीं मिलता है स्पोर्ट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करने का। सो हम चाहते हैं कि यहाँ पे जो है बच्चे पूरी तरह से इनका डेवलपमेंट हो और भविष्य इनका अच्छा बने। एक अपना विशेष स्थान रखता है। अब पुराना दौर चला गया कि जब बोलते थे कि खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब, पढ़ोगे लिखोगे होगे नवाब, तो अब कुछ नहीं है। अब देखिए स्पोर्ट्स है, आज हम अपना फर्स्ट स्पोर्ट्स डे मना रहे हैं जो शायद इस आसपास के क्षेत्र में शायद ये सबसे बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। और हमारा जो एम है इस स्कूल का, वो जो दबे कुचले जो जिन बच्चों तक एजुकेशन का प्रकाश नहीं पहुंच पाता था वहाँ से लाना, जो हमारी मैनेजमेंट है उनका एम ये है। और ये देखिए स्कूल भी कैसे शुरू हुआ कि आज से 8-10 साल पहले मैम जो हमारी मैनेजर मैम है, ओनर मैम है, वो यहाँ से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा आसपास के काफ़ी एजुकेशन में पिछड़ा हुआ एरिया है। उन्होंने कहा सर अच्छी जगह तो सब खोलना चाहते हैं, मतलब जो डेवलप एरियाज में सब खोलना चाहते हैं, लेकिन हम इस जगह का विकास करेंगे शिक्षा के माध्यम से। और ईश्वर की विशेष कृपा से हम लोगों ने लास्ट ईयर 2 साल पहले बनना शुरू हुआ और लास्ट ईयर हमने इसको ओपन किया। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स लोगों का मिला और इस एरिया के आसपास के लोग इतने अच्छे हैं, इतने बढ़िया लोग हैं, इतने एजुकेशन के प्रति एक तरीके से पागलपन है उनमें कि वो अपने बच्चों को सुबह छोड़ने आते हैं 8-9 किलोमीटर से, और बहुत ही बढ़िया जगह है। और मैं तो ये कहूँगा कि आज तो जो है लेकिन आने वाले 2-4-5 साल के अंदर ये क्षेत्र अपने आप में विकास का क्षेत्र बन जाएगा। जी सर, क्या नाम आपका? मैं ललित शर्मा, मैं स्कूल मैनेजमेंट कमेटी में हूँ। जी सर, क्या क्या प्रोग्राम कराए गए आज बच्चों के? आज बेसिकली स्पोर्ट डे है तो 100 मीटर रेस है बच्चों की, 3rd to 5th गर्ल्स की है, सेक रेस है, 50 मीटर रेस है 1 to 5, मार्च पास्ट हुआ शुरू में, और डांसेस हैं
और थर्ड टू फिफ्थ की 100 मीटर रेस है, ड्रिल डांस है, मार्च पास है, रिले रेस है, और बाद में एक एंजॉयमेंट के पेरेंट्स की रेस भी करवाएंगे, और लास्ट में प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, और बस इस तरह से प्रोग्राम का अंत हो जाएगा।